सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। तो छात्रों, आज हम आपके सामने डिफरेंटिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे वीडियो के द्वारा। विभेदन क्या होता है तथा डिफरेंटिएशन क्या होता है। छात्र, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती है वह तुरंत आपको अवेलेबल हो सके तथा मिस ना हो। तो छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक डिफरेंटेशन, विभेदन। इसे वैज्ञानिकों ने डिफरेंटेशन की अनेक परिभाषाएं दी थी, जिसमें विभेदन क्या होता है। विभेदन एक तरह की डिफरेंस होना या डिफरेंस एक समान कोशिकाएं का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दृष्टि से भिन्न हो जाना ही डिफरेंटेशन कहलाता है। भ्रूण की सभी कोशिकाओं का निर्माण जायगोट के माइटोसिस डिवीजन द्वारा होता है, इसलिए प्रारंभ में सभी कोशिकाएं स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड आनुवंशिक दृष्टि से एक समान होती है। गेस्टुलेशन में इनमें भिन्नताएं प्रकट होने लगती है तथा आगे के डेवलपमेंट में यह विभेदन जारी रहता है। डिफरेंटिएशन का प्रोसेस अनुत्क्रमणीय होता है, जो विभेदित या विशिष्ट कोशिका फिर से अविभेदित कोशिकाओं में चेंज नहीं हो सकती। भ्रूण परिवर्तन में विभेदन एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्गेनोजेनेसिस तथा मॉर्फोजेनेसिस संभव होता है। डिफरेंटेशन को साइंटिस्टों ने दो भागों में विभाजित किया है, एक है इंट्रासेलुलर डिफरेंटेशन तथा दूसरा है इंट्रासेलुलर डिफरेंटेशन। इंट्रासेलुलर डिफरेंटेशन यह अंतकोशिकीय विभेदन प्रोटोजोआ, शुक्र जनन तथा अंड जनन में देखा जाता है तथा कुछ साइंटिस्टों ने इसे नॉन सेलुलर डिफरेंटेशन या कोशिका विभेदन साइटो डिफरेंटेशन भी कहा। इस प्रकार के विभेदन में विभेदन कोशिका द्रव के स्तर पर होता है, जैसे शुक्रजनन में एक्रोसोम, मध्यखंड तथा टेल आदि का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर डिफरेंटेशन अंतरकोशिक विभेदन। इसके अंतर्गत इस प्रकार का विभेदन होता है जिसमें बहुकोशिकीय प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है। इंटरसेलुलर डिफरेंटेशन को सुप्रासेलुलर डिफरेंटेशन भी कहते हैं। इस प्रकार के विभेदन में कोशिकाओं, ऊतकों तथा ऑर्गन्स का विभेदन एक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार विभेदित अंग विशिष्ट कार्य करते हैं
जैसे पेशियों का कार्य सिकुड़ना तथा फैलना तथा लिवर सेल्स का कार्य पित्त स्रावित करना इत्यादि। विभेदन द्वारा परिवर्तित हो रहे भ्रूण में एक कोशिका दूसरी कोशिका से भिन्न हो जाती है और भिन्न कार्य करती है। टाइप ऑफ डिफरेंटेशन, विभेदन के प्रकार। साइंटिस्टों ने डिफरेंटेशन का भी प्रकार बताया, जिसमें विभेदित कोशिकाएं आकार, संरचना, रासायनिक संगठन, कार्य तथा व्यवहार में विशिष्ट होती है। अतः इसकी ओरिजिन की नेचर के आधार पर डिफरेंटेशन को अनेक उसमें विभेदित किया है, जिसमें फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंटेशन, सेकंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंटेशन, थर्ड केमिकल डिफरेंटेशन या बायोकेमिकल डिफरेंटेशन, लास्ट बिहेवियरल डिफरेंटेशन। तो सर्वप्रथम हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंटेशन पर बात करते हैं, इसे आकारिक के विभेदन कहते हैं। इसके अंतर्गत कोशिका के परिवर्तन के दौरान शेप एंड साइज में विशिष्टीकरण को आकार के विभेदन कहते हैं। इसे कोशिका के विभेदन भी कहते हैं, जो साइटो डिफरेंटेशन होता है। जैसे पेशी कोशिका तथा तंत्रिका कोशिकाओं के भिन्न संरचना आकार के विभेदन का परिणाम स्वरूप है। नेक्स्ट कार्य के विभेदन, फिजियोलॉजिकल डिफरेंटेशन। यह वो प्रोसीजर है जिसके द्वारा विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं में भिन्नताएं प्रकट होती है, उसे फिजियोलॉजिकल डिफरेंटेशन कहते हैं। फिर भी सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक से सामान्य क्रियाएं होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म। फिर भी विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेशी कोशिकाओं द्वारा कॉन्ट्रैक्शन, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का संचरण तथा ग्रंथल कोशिकाओं द्वारा स्त्राव होना होता है। नेक्स्ट केमिकल डिफरेंटेशन एंड बायोकेमिकल डिफरेंटेशन। यह भी एक प्रकार का विभेदन होता है। इसके अंतर्गत रासायनिक विभेदन में कोशिकाओं में विशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिनके कारण कोशिकाएं अद्वितीय तथा अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाएं तथा अंगों का निर्माण होता है। कोशिका में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण इंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा कोशिकाओं में अद्वितीय प्रोटीन प्रतिरूपों का निर्माण ही रासायनिक विभेदन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बिहेवियर डिफरेंटेशन, व्यवहार के विभेदन। इसके अंतर्गत भी एक प्रकार का डिफरेंटेशन ही होता है, जो विभेदन के दौरान कोशिकाओं के व्यवहार में चेंजिंग हो जाता है। कोशिका के व्यवहार में परिवर्तन को
व्यवहार के परिवर्तन कहते हैं बिहेवियर डिफरेंटेशन। जैसे तंत्र कोशिकाओं द्वारा अवयवों का संचरण तथा पेशी कोशिकाओं का संकुचन व्यवहार की वेदन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, वेदन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ डिफरेंटिएशन। वेदन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? सभी प्रकार के वेदन का प्रमुख कारण कोशिकाओं के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। कोशिकाओं में सभी परिवर्तन एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का एंजाइम प्रतिरूप में परिवर्तन से डिफरेंटिएशन या विभेदन उत्पन्न होता है। इसलिए साइंटिस्ट स्पिजेलमैन ने 1948 के अनुसार विभेदन एंजाइम्स प्रतिरूप परिवर्तन का उत्पाद है। कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा सभी एंजाइम्स रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन्स होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का प्रोटीन प्रतिरूप में परिवर्तन विभेदन उत्पन्न करेगा तथा करता है। केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन प्रोटीन की भिन्नता से उत्पन्न होता है तथा यही कोशिकाओं में विभेदन का प्रमुख कारण होता है। जो साइंटिस्ट स्पिजेलमैन ने 1948 के अंतर्गत एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो डायग्राम में दिखा रखा है, इसमें न्यूक्लिएटेड पार्ट तथा लिगामेंट्स, न्यूक्लिएटेड पार्ट के बाद में न्यूक्लियस स्लाइपड इनटू न्यूक्लिएट पार्ट, लास्ट फेल्स ऑफ टू डिवाइड्स फर्दर नेट्स साइटोप्लाज्म ब्रिज। इस प्रकार से इम्प्रोसोविंग डेट्रेटेड डेवलपमेंट विद नॉर्मल एम्ब्रो दिखाया गया है। साइंटिस्ट बेरेंस्की ने 1970 के अनुसार विभेदन का प्रमुख कारण प्रोटीन प्रतिरूप में परिवर्तन होना भी बताया तथा कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को दो भागों में विभाजित किया। प्रथम संरचनात्मक प्रोटीन्स तथा दूसरी एंजाइम निर्माण करने वाली प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन का संश्लेषण न्यूक्लिक एसिड के कंट्रोल में होता है, अतः कोशिका कि मूल स्ट्रक्चर, मूल संरचना क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए पर निर्भर करती है। तो छात्रों, जो आज आपको हमने डिफरेंटेशन के बारे में बताया कि डिफरेंटेशन के प्रकार, विभाजन तथा डिफरेंटेशन की ओरिजिन किस प्रकार से होती है, जो साइंटिस्टों ने अलग अलग बताई थी, इसमें एंजाइम्स भी बताए थे तथा तो इसके साथ ही आज का ये टॉपिक एंड होता है। तो अभी जो पढ़ाया छात्रों, उसको आप नोटेड कर लीजिए।
तथा इसकी होम स्टडी कीजिए। नेक्स्ट डेज पर नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे तथा नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो छात्रों, इसके साथ ही आज का टॉपिक का हम समापन करते हैं।